नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए लूसेंट जीके के टॉप 50 क्वेश्चंस की चैलेंजिंग क्विज लेकर आए हैं। ये सभी क्वेश्चंस दोस्तों पिछले 15 सालों से बार बार परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। आप लोग किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं जिस एग्जाम में जीके आते, कोई भी एग्जाम हो, सभी एग्जाम्स के लिए ये क्वेश्चंस दोस्तों बहुत ही फायदेमंद रहने वाले हैं, बहुत ही यूजफुल रहने वाले हैं। अगर आप अपने एग्जाम की सच्चे मन से और सीरियस होकर तैयारी कर रही हैं तो आप लोग यहां से 50 में से 30 क्वेश्चन सही करके दिखाइए, वरना आप लोग टाइम पास कर रहे हैं, अपने कीमती समय को बर्बाद कर रहे हैं। इस वीडियो को दोस्तों अंत तक जरूर देखना और आपसे रिक्वेस्ट है प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दे, ताकि जो भी आपके डाउट है साथ में ही क्लियर होते चले जाए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे प्लीज वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें और दोस्तों क्लास के अंत में बताना कितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए और कितने क्वेश्चन आपने सही किए। एक क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपको 5 सेकेंड का वक्त मिलेगा, उसके बाद हम आपको आंसर बता देंगे। चलिए फिर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, थॉमस कप का संबंध किस खेल से? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आता है। थॉमस कप का संबंध किस खेल से है दोस्तों? बैडमिंटन से है। थॉमस कप का संबंध किस खेल से? बैडमिंटन से है। थॉमस कप का संबंध, बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, बैडमिंटन बी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, बास्केटबॉल खेल में प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? बास्केटबॉल खेल के प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? 5 खिलाड़ी होते हैं, 5। ठीक है, सी ऑप्शन रहेगा दोस्त राइट आंसर, 5 खिलाड़ी होते हैं, सी ऑप्शन रहेगा दोस्त राइट आंसर। नेक्स्ट है, एके बना क्या है? क्या है दोस्तों एके बना? एके बना क्या है? फूलों के सजावट की एक जापानी पद्धति है एके बना। ठीक है, फूलों की सजावट की एक जापानी पद्धति है, सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, रन छोड़ शब्द का संबंध किससे है? रन छोड़ शब्द का संबंध किससे है दोस्तों? मोरारजी देसाई से है। रन छोड़ शब्द का संबंध किससे है? मोरारजी देसाई से, डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, मोरारजी देसाई डी हो जाएगा दोस्तों राइट आंसर। नेक्स्ट है, 1934 में भारत के नए नियोजित अर्थव्यवस्था को किसने लिखा है? किसने लिखा है? सर एम विश्वेश्वरैया ने लिखा है दोस्तों। 1934 में भारत के नए नियोजित अर्थव्यवस्था को, ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, सर एम विश्वेश्वरैया ए ऑप्शन रहेगा जी राइट आंसर। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है साथियों? नीदरलैंड के द हेग में है। ठीक है, सी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, हैजा रोग किसके कारण होता है? हैजा रोग किसके कारण होता है? हैजा रोग होता है दोस्तों जीवाणु के कारण। किसके कारण? जीवाणु के कारण होता है दोस्तों हैजा रोग, सी ऑप्शन रहेगा दोस्तों राइट आंसर, जीवाणु सी ऑप्शन होगा दोस्तों राइट आंसर। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन किस प्रकार का कण है? इलेक्ट्रॉन किस प्रकार का कण है? इलेक्ट्रॉन किस प्रकार का कण है? ऋण आवेशित कण है दोस्तों, ऋण आवेशित कण है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन किस प्रकार का कण है? ऋण आवेशित कण है इलेक्ट्रॉन, ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, ऋण आवेशित ए ऑप्शन रहेगा दोस्तों राइट आंसर। नेक्स्ट है, ग्रह शासन आंदोलन का संबंध किससे है? ग्रह शासन आंदोलन का संबंध किससे है? बाल गंगाधर तिलक से है दोस्तों गृह शासन आंदोलन का संबंध, बी ऑप्शन रहेगा दोस्तों राइट आंसर, बाल गंगाधर तिलक भी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, राज्य की नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन संविधान के किस भाग से है? राज्य की नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन संविधान के किस भाग में है? भाग 4 में है। किस में? भाग 4 में है। ऑप्शन नंबर बी रहेगा दोस्तों राइट आंसर, भाग 4 बी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, पुर्तगाली यात्री नूनिज किसके दरबार में आया था? पुर्तगाली यात्री नूनिज किसके दरबार में आया था? अच्युत राय के दरबार में आया था पुर्तगाली यात्री। ठीक है, बी ऑप्शन रहेगा दोस्तों राइट आंसर, अच्युत राय के दरबार में आया था पुर्तगाली यात्री नूनिज, बी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है, चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक क्या है? चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक पूछा है क्या है, तो याद रखिएगा मेरे प्यारे साथियों, टेस्ला है चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक। ठीक है, टेस्ला, तो डी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर, टेस्ला। नेक्स्ट, संविधान संशोधन का संबंध संविधान के किस भाग से है? संविधान संशोधन का संबंध संविधान के किस भाग से है साथियों?
भाग बी सी है, ठीक है, ए ऑप्शन होगा राइट आंसर। संविधान संशोधन का संबंध संविधान के किस भाग से है, भाग बी सी है, ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर भाग बीस। नेक्स्ट, जिम्बाब्वे का प्राचीन नाम क्या है, जिम्बाब्वे का प्राचीन नाम क्या है, दक्षिण रोडेशिया है जिम्बाब्वे का प्राचीन नाम, ठीक है, जिम्बाब्वे का प्राचीन नाम दोस्तों क्या है, दक्षिण रोडेशिया है, बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर दक्षिण रोडेशिया, बी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, पीट संप्रास का संबंध किस खेल से है, पीट संप्रास का संबंध किस खेल से है दोस्तों, टेनिस से है पीट संप्रास का संबंध, ठीक है, ऑप्शन बी होगा राइट आंसर टेनिस, याद रखना। नेक्स्ट है, जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था, जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था मेरे प्यारे साथी शाहजहां ने, शाहजहां ने करवाया था जामा मस्जिद का निर्माण, ए ऑप्शन रहेगा दोस्त राइट आंसर शाहजहां, ए रहेगा जी राइट आंसर। नेक्स्ट है, एक नोटिकल मील बराबर कितना किलोमीटर होता है, एक नोटिकल मील बराबर कितना किलोमीटर होता है, 1.852 किलोमीटर होता है दोस्तों एक नोटिकल मील, ठीक है, एक नोटिकल मील बराबर कितना होता है, 1.852 किलोमीटर होता है दोस्तों, ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर 1.852 किलोमीटर, ए रहेगा दोस्तों राइट आंसर। नेक्स्ट है, पौधों की वृद्धि को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, पौधों की वृद्धि को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, क्रिस्कोग्राफ का प्रयोग किया जाता है दोस्तों पौधों की वृद्धि को मापने के लिए, ठीक है, तो सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर क्रिस्कोग्राफ, सी हो जाएगा दोस्तों राइट आंसर क्रिस्कोग्राफ, ठीक है। नेक्स्ट, किस सुल्तान ने सर्वप्रथम राजतव के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, किस सुल्तान ने किया सर्वप्रथम राजतव के सिद्धांत का प्रतिपादन, तो मेरे प्यारे साथी ये किया था बलबन ने, किसने, बलबन ने किया था, ठीक है, सर्वप्रथम राजतव के सिद्धांत का प्रतिपादन, ऑप्शन नंबर डी होगा दोस्तों राइट आंसर बलबन, डी हो जाएगा दोस्तों राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा, अब तक दोस्तों नहीं पढ़ी जा सकी है, अब तक नहीं पढ़ी जा सकी है, डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, अब तक नहीं पढ़ी जा सकी है, डी ऑप्शन रहेगा जी राइट आंसर, ठीक है। देखिए, यूरेनियम की खान कहाँ पर स्थित है, यूरेनियम की खान कहाँ है, अगर आपने अभी तक दोस्तों क्लास को लाइक नहीं किया जल्दी से आप लोग फटाफट क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें, यूरेनियम की खान कहाँ पर दोस्तों स्थित है, जादूगोड़ा में स्थित है, जादूगोड़ा में, ठीक है, सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर जादूगोड़ा, सी होगा दोस्तों राइट आंसर। नेक्स्ट है, सांड की लड़ाई किस देश का राष्ट्रीय खेल है, सांड की लड़ाई किस देश का राष्ट्रीय खेल है दोस्तों, स्पेन देश का राष्ट्रीय खेल है सांड की लड़ाई, तो बी ऑप्शन रहेगा दोस्तों राइट आंसर स्पेन, बी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट, एक माइक्रोन बराबर कितना होता है, एक माइक्रोन बराबर कितना होता है दोस्तों, 0.001 mm होता है एक माइक्रोन, एक माइक्रोन बराबर कितना होता है, 0.001 mm होता है दोस्तों, बी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, मुक्त रूप से निलंबित चुंबकीय सुई किस दिशा में टिकती है, मुक्त रूप से निलंबित चुंबकीय सुई किस दिशा में टिकती है, उत्तर दक्षिण दिशा में टिकती है, मुक्त रूप से निलंबित चुंबकीय सुई, सी ऑप्शन रहेगा दोस्तों राइट आंसर, उत्तर दक्षिण दिशा में, सी ऑप्शन रहेगा दोस्तों राइट आंसर। नेक्स्ट है, द्रव का आपेक्षिक घनत्व किससे मापा जाता है, द्रव का आपेक्षिक घनत्व किससे मापा जाता है साथियों, हाइड्रोमीटर से मापा जाता है द्रव का आपेक्षिक घनत्व, ठीक है, द्रव का आपेक्षिक घनत्व किससे मापा जाता है, हाइड्रोमीटर से मापा जाता है दोस्तों, बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर हाइड्रोमीटर, बी रहेगा दोस्तों राइट आंसर हाइड्रोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट, लैक्टोमीटर से किसकी शुद्धता मापी जाती है, लैक्टोमीटर से किसकी शुद्धता मापी जाती है, किसकी शुद्धता मापी जाती है लैक्टोमीटर से, दूध की शुद्धता मापी जाती है दोस्तों लैक्टोमीटर से, किसकी, दूध की शुद्धता, ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर दूध, ए होगा दोस्तों राइट आंसर। नेक्स्ट है, कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया था साथियों, किसने करवाया था कोणार्क मंदिर का निर्माण,
नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था। ठीक है, डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था। डी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, विश्व जल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व जल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? जी हाँ बिल्कुल, 22 मार्च को मनाया जाता है दोस्तों, विश्व जल दिवस 22 मार्च को। ठीक है, ए ऑप्शन होगा राइट आंसर, 22 मार्च। नेक्स्ट है, ग्रीनविच देशांतर रेखा किस देश के बीच से गुजरती है? ग्रीनविच देशांतर रेखा किस देश के बीच से गुजरती है? तो याद रखिएगा साथियों, इंग्लैंड से होकर गुजरती है ग्रीनविच देशांतर रेखा। डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, इंग्लैंड। डी होगा दोस्तों राइट आंसर। नेक्स्ट है, टाइटैनिक फिल्म में मुख्य अभिनेत्री कौन थी? टाइटैनिक फिल्म में मुख्य अभिनेत्री कौन थी साथियों? टाइटैनिक फिल्म में मुख्य अभिनेत्री कौन थी साथियों? केंट विंसलेट थी। सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, केंट विंसलेट। टाइटैनिक फिल्म में दोस्तों मुख्य अभिनेत्री कौन थी? केंट विंसलेट थी। सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, केंट विंसलेट। सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, केंट विंसलेट। सी रहेगा राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत के किन दो नेताओं का जन्मदिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है? बेहतरीन क्वेश्चन है, किन दो नेताओं का जन्मदिवस मनाया जाता है 2 अक्टूबर को? महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री का जन्मदिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, हैवी व्हीकल फैक्ट्री अवाड़ी किस राज्य में है? हैवी व्हीकल फैक्ट्री अवाड़ी किस राज्य में है दोस्तों? तमिलनाडु राज्य में है हैवी व्हीकल फैक्ट्री अवाड़ी। बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, हैवी व्हीकल फैक्ट्री अवाड़ी किस राज्य में है? तमिलनाडु में है। बी ऑप्शन रहेगा दोस्तों राइट आंसर, तमिलनाडु। बी रहेगा राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है, दीन ए इलाही की स्थापना किस मुगल बादशाह के द्वारा की गई? दीन ए इलाही की स्थापना किस मुगल बादशाह के द्वारा की गई दोस्तों? अकबर के द्वारा की गई, अकबर के द्वारा। ठीक है, सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, अकबर। सी ऑप्शन होगा दोस्तों राइट आंसर, अकबर। ठीक है, नेक्स्ट है, आधुनिक हिंदी का जनक किसको माना जाता है? आधुनिक हिंदी का जनक किसको माना जाता है साथियों? भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है। आधुनिक हिंदी का जनक किसको माना जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है। बी ऑप्शन रहेगा साथियों राइट आंसर, भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर कौन है? भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर कौन है? कौन है? सिद्धार्थ है। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर कौन है? सिद्धार्थ। सिद्धार्थ भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर है। बी ऑप्शन रहेगा साथियों राइट आंसर, सिद्धार्थ। बी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, नेत्रदान में किसका दान किया जाता है? नेत्रदान में किसका दान किया जाता है दोस्तों? कार्निया का दान किया जाता है नेत्रदान में। ठीक है, नेत्रदान में कार्निया का दान किया जाता है। ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, कार्निया। ए रहेगा साथियों राइट आंसर। नेक्स्ट है, पत्तियों का रंग हरा किसके कारण होता है? पत्तियों का रंग हरा किसके कारण होता है? क्लोरोफिल के कारण होता है दोस्तों, पत्तियों का रंग हरा। ठीक है, ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, क्लोरोफिल। ए रहेगा साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर, क्लोरोफिल। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त आयोग के गठन का वर्णन किया गया है? तो बताएगा किस अनुच्छेद में किया गया है वित्त आयोग के गठन का वर्णन? अनुच्छेद 280 में किया गया। किस में किया गया है? अनुच्छेद 280 में किया गया है। ए ऑप्शन होगा दोस्तों राइट आंसर, अनुच्छेद 280। नेक्स्ट है, भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? बताएगा भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ है? नई दिल्ली में है साथियों, भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान। ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, नई दिल्ली। ए होगा राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है, यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी? यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी साथियों? 1946 में, 1946 में हुई थी। याद रखना यूनिसेफ की स्थापना। डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, 1946। डी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था दोस्तों? किसने किया था मुंडा विद्रोह का नेतृत्व? बिरसा मुंडा ने किया था। ठीक है, मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किया था किसने? बिरसा मुंडा ने किया था। सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, बिरसा मुंडा। सी ऑप्शन होगा दोस्तों राइट आंसर। नेक्स्ट है, परिवार नियोजन का प्रतीक चिन्ह क्या है? परिवार नियोजन का प्रतीक चिन्ह क्या है? लाल त्रिकोण है,
परिवार नियोजन का प्रतीक चिन्ह, बी ऑप्शन होगा राइट आंसर, लाल त्रिकोण भी रहेगा दोस्तों राइट आंसर। नेक्स्ट, मुगल काल की सरकारी भाषा क्या थी? मुगल काल की सरकारी भाषा क्या थी दोस्तों? फारसी भाषा थी। मुगल काल की सरकारी भाषा क्या थी? फारसी भाषा थी। डी ऑप्शन रहेगा दोस्तों राइट आंसर फारसी। डी रहेगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर फारसी। ठीक है, नेक्स्ट है, स्वर्ण मंदिर बनाने के लिए किस मुगल बादशाह ने जमीन दी थी? स्वर्ण मंदिर बनाने के लिए किस मुगल बादशाह ने जमीन दिया था दोस्तों? अकबर ने जमीन दिया था स्वर्ण मंदिर को बनाने के लिए। ठीक है, सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर अकबर। सी होगा दोस्तों राइट आंसर। नेक्स्ट, ग्लूकोमा रोग का संबंध किस अंग से है? ग्लूकोमा रोग का संबंध किस अंग से है दोस्तों? आंख से है ग्लूकोमा रोग का संबंध। डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर आंख। ठीक है, डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट, भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है? भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है साथियों? सीस्मोग्राफ से मापी जाती है भूकंप की तीव्रता। ठीक है, भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है? सीस्मोग्राफ से मापी जाती है। सी ऑप्शन होगा राइट आंसर सीस्मोग्राफ। नेक्स्ट, चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? बहुत बार एग्जाम में आता है, किसने करवाया था चार मीनार का निर्माण? कुली कुतुब शाह ने करवाया था साथियों चार मीनार का निर्माण। ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, कुली कुतुब शाह। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध की मृत्यु कहां हुई थी? जबरदस्त क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध की मृत्यु कहां हुई थी? कुशीनगर में हुई थी गौतम बुद्ध की मृत्यु। सी ऑप्शन रहेगा दोस्तों राइट आंसर, कुशीनगर। नेक्स्ट, देखिए, किस फल के अंदर जहर पाया जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत बड़े एग्जाम में आता है। तो दोस्तों सेब के अंदर पाया जाता है जहर। ठीक है, सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, सेब के बीज के अंदर जहर होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है, ऐसा कौन सा जीव है जिसकी जीभ में भी दांत होते हैं? ऐसा कौन सा जीव है जिसकी जीभ में भी दांत होते हैं दोस्तों? हंस, हंस के जीभ में भी दांत होते हैं। सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, हंस। तो मेरे प्यारे साथियों, ये थे आज के हमारे क्वेश्चंस जो अभी कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपने अभी तक दोस्तों क्लास को लाइक नहीं किया, क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। अगर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को ऑन करना ताकि हर क्लास का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। और कमेंट करके दोस्तों बताइएगा आपने कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए, कितने क्वेश्चन आपने सही किए। चलिएगा दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।